नमस्कार, न्यूज टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आंचल और आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नागरिकता संशोधन बिल का विरोध चरम पर, विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए बिल वापसी की मांग उठाई। परसुडी बाजार में लगी भीषण आग, 16 दुकानें जलकर खाक। आपत्तिजनक बयान के विरोध में मारवाड़ी समाज के लोगों ने फूंका पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां का पुतला। और 135वीं स्थापना दिवस पर केक काटकर कांग्रेसजनों ने मनाई खुशी। अब खबरें विस्तार से। एनआरसी, एनपीआर और सीए बिल के विरोध में प्रदर्शन जारी है। शनिवार को एआईडीएसओ द्वारा विशाल प्रदर्शन किया गया। एआईडीएसओ द्वारा शनिवार को नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में विशाल रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गया। उन्होंने बिल को तत्काल वापस लेने की मांग सरकार से की है। छात्रों के लिए नहीं है, ऐसा बात नहीं, आपको समझना पड़ेगा। तमाम देश के जो सेकुलर लोग हैं, तमाम देश के जो छात्र लोग, जो प्रगतिशील शिक्षक छात्र युवा लोग हैं, हमारा विरोध है एनआरसी सीए, जो संविधान विरोधी है, जो संविधान की एकता को तोड़ता है, संप्रदायों को, धर्म को बांटने का काम करता है, लोगों को बांटने का काम करता है। इसके हम लोग पूरा विरोध करते हैं। आप जानते हैं कि संविधान की धारा 13-14 कहती है कि किसी भी व्यक्ति जो देश के हैं उनमें धर्म, संप्रदाय, लिंग के आधार पर आप समान व्यवहार करेंगे, किसी के साथ कानून अलग नहीं। देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान द्वारा धरना प्रदर्शन के माध्यम से एनआरसी और सीए का जोरदार विरोध जताया गया। उनका नेतृत्व कर रहे वरिष्ठ नेता बलदेव सिंह ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता पर चोट किया जा रहा है। उन्होंने इसे काला कानून बताया। वहीं दूसरी ओर जमशेदपुर सिटीजन फोरम के बैनर तले नागरिकता संशोधन बिल के विरोध में धरना दिया गया। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस बिल को तुरंत रोल बैक करें। एनआरसी के विरोध में और एनपीआर के विरोध में ये जो कानून बनाया है, काला कानून बनाने जा रही सरकार, उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। आज कहते हैं कि इस कानून को वापस लिया जाए और इस प्रस्ताव को वापस लिया। परसुडी बाजार में बीती रात भीषण आग लग गई, जिसमें 16 से ज्यादा दुकानें जलकर पूरी तरह राख हो गई। घटना की सूचना पाकर नव निर्वाचित विधायक मंगल कालिंदी घटनास्थल पहुंचे और दुकानदारों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। घटना देर रात 2 बजे की बताई जा रही है और इस भीषण आग की वजह स्पष्ट नहीं है। कोई इसे शॉर्ट सर्किट तो कोई इसे शरारती तत्वों की करतूत बताया जा रहा है। दो बजे रात में तो हम देखे कि दुकान जल के राख है, लगभग 16 दुकान, तो 1.5 लाख से ऊपर नुकसान हुआ है। 3 लाख लेके चलिए सब दुकानदार का। देखिए, हमें तो अभी सूचना मिली है, सूचना मिलते ही हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार यहाँ पहुँचे हैं और हम लोग कैसे आग लगी है इसका जांच तो प्रशासन करेंगे अपने स्तर से। हम लोग प्रशासन को भी इस पर हम लोग दबाव बनाएंगे कि यहाँ किस तरह से आग लगा और कितने गरीब लोगों का जो क्षति हुआ, उसके लिए हम लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। उसी तर्ज पर हम लोग भी यहाँ बात को रखेंगे, इस विभागीय अधिकारियों से हम लोग बात करेंगे, इस परसुडी में भी टीना सेट बने। मारवाड़ी समाज द्वारा शनिवार को पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां का पुतला दहन करते हुए अपना विरोध प्रकट किया। गौरतलब है कि शुक्रवार को मानगो गांधी मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मारवाड़ी समाज पर टिप्पणी की थी, जिस पर समाज के लोगों ने घोर आपत्ति जताई है। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जी का जो है हम लोगों ने पुतला दहन किया है। कल जो गांधी मैदान में कार्यक्रम हुआ था उसमें दुलाल भुइयां जी ने कहा था कि ये मारवाड़ी समाज जो है कभी जेल नहीं जाता है, पुलिस प्रशासन सरकार को जेल भेजने का काम नहीं करती है। तो कहीं ना कहीं दुलाल भुइयां ने जो है पूरे मारवाड़ी समाज को बदनाम करने का काम किया। आज कांग्रेस का 135वां स्थापना दिवस है। इस मौके पर कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय तिलक पुस्तकालय में केक काटा गया। 135वें स्थापना दिवस के मौके पर नए वर्ष में दुगने उत्साह से कार्य करने का प्रण कांग्रेसजनों ने लेते हुए केक काटकर एक दूसरे को बधाइयां दी। बीते चुनाव में जनता द्वारा कांग्रेस पर विश्वास जताने पर भी संतोष प्रकट किया गया।
रुके 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 अट्ठाईस दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी और उस समय से निरंतर कांग्रेस पार्टी देश की सेवा में, देश की मान सम्मान बढ़ाने में अपना अहम भूमिका अदा करती रही। सीकेपी डिवीजन के डीआरएम बीके साहू ने शनिवार को टाटानगर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। टाटानगर स्टेशन में यात्रियों की सुविधाओं के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, इसकी जानकारी डीआरएम ने ली, साथ ही समीक्षा भी की। नए खुले वातानुकूलित वेटिंग हॉल में क्या क्या सुविधाएं हैं और यात्रियों को रेलवे से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, ये जानने का प्रयास भी डीआरएम बीके साहू ने किया। उन्होंने कहा कि आदित्यपुर से खड़गपुर तक थर्ड लाइन का काम प्रगति पर है। एसएच तो सारी चीज नॉर्मल काम कर रही है। मेरा काम है कि लंबे समय में जमशेदपुर इतना बड़ा शहर है, इसका स्टेशन का नाम टाटा नगर रखा गया है, इसको कैसे हम इस रूप में लाएं कि ये ईस्टर्न रीजन की पहचान बन जाए। यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक है, हमारा कुछ लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट भी है जिसको हम लोग आदित्यपुर रादर गमरिया से थर्ड लाइन ऑलरेडी आदित्यपुर तक है, हम वहाँ पे बाईपास वगैरह गमरिया से ला के आदितपुर से खड़गपुर के लिए थर्ड लाइन साउथ ईस्टर्न रेलवे की बन रही। बिरसा नगर में निर्माणाधीन पुलिया का विरोध आरंभ हो गया है और विरोध करने वाले और कोई नहीं भाजपा से जुड़े लोग ही हैं। भाजपा से लंबे समय से जुड़ी राजपति देवी अपने समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय पहुंची और बिरसा नगर में पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनाया जा रहा है को अवैध बताया और ठेकेदार से मिलीभगत का गंभीर आरोप भी लगाया है। बिरसा नगर 7 जून में एक ही पुलिया है काली मंदिर के पास, जो पुलिया हम लोगों को धोखे से पास करवाया गया, जब पास हुआ तो बताया गया कि नया पुलिया निर्माण होगा, लेकिन अब उनको ठेकेदार ने बोल रहा है कि नहीं पुलिया तोड़ के हम लोग बनाएंगे, लेकिन हम लोग का बस्तीवासी का कहना है कि पुल तोड़ा जाएगा तो बस्तीवासी आना जाना कैसे करेंगे। शहर में मिस झारखंड के लिए ऑडिशन चल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। रैंप वॉक करने वाली मॉडलों को जज करने के लिए कई नामी गिरामी चेहरों को बुलाया गया है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अगर एक सुंदर सुसज्जित घर की कल्पना हम करें तो सबसे पहले हमें किसका ख्याल आता है? जी हाँ दोस्तों, यकीनन उस घर का खूबसूरत फर्नीचर ही हमें सबसे पहले लुभाता है। तो घर की खूबसूरती का ये ऑल टाइम सुपरहिट कल्चर आप भी अपनाइए। सर्वोत्तम क्वालिटी के बेहतरीन फर्नीचर्स के लिए शर्मा फर्नीचर में आज ही चले आइए। एक से बढ़कर एक आकर्षक रंगों तथा डिजाइनों वाले सोफों की शानदार चॉइस हो या फिर आपकी पसंद के अनुरूप मजबूत टिकाऊ और आरामदायक बेड्स की आपकी फरमाइश हो, चाहे हो नए जमाने की सुविधा संपन्न और मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल या फिर पूरे परिवार की मजेदार डाइनिंग के लिए सुंदर डाइनिंग टेबल, बेहतरीन कारीगरी के सांचे में ढला यहाँ का हर आइटम।
Anu's Aqua, a professional salon and spa, specialist in bridal makeup, all beauty treatment and makeup. Slimming, hair care, skin care, a complete family salon. Please do visit with your friends and family. Sakshi Salon, first floor, 107 Manjula Avishkar Building, SNP area, next to State Bank of India, Sakshi Jamshedpur. Bistupur Salon, ground floor, Sura Sadan Apartment, road number 3, contractors area, near DAV Public School, Bistupur Jamshedpur. The Web International, NS33, Tata Rachi Highway, Jamshedpur, Jharkhand. Gayatri Siksha Niketan, CBSE affiliated, आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम, Gayatri Siksha Niketan. शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास. Gayatri Siksha Niketan, उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स. Gayatri Siksha Niketan, अनुशासन के साथ पठन पाठन में अव्वल, हर वर्ष 100% रिजल्ट का रिकॉर्ड, वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, नर्सरी से प्लस टू तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अभिवंचित वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीट आरक्षित. Gayatri Siksha Niketan के संस्थापक सह चेयरमैन योगेंद्र प्रसाद यादव ने 1993 को मात्र 7 बच्चों के साथ स्कूल की शुरुआत की. उनकी मेहनत, लगन और लोगों के विश्वास से स्कूल पूरे राज्य में अव्वल. Gayatri Siksha Niketan, रोड नंबर 4, आदित्यपुर 2, नियर 111 सेव लाइफ हॉस्पिटल. फोन. इंडियन बेकरी, स्पेशलिस्ट इन केक्स एंड कॉन्फेक्शनरी आइटम, ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ पेटीज, केक, कुकी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, एगलेस केक, बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, वेडिंग केक. All types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. Arsh Internationals, recruiting with ethics, approved by Government of India. Urgent required
फॉर TSA, सऊदी अरब में रोजगार पाने का सुनहरा अवसर. क्लाइंट इंटरव्यू ऑन 31 अक्टूबर. सना कॉम्प्लेक्स, ठाकुर बारी रोड, आम बगान, साक्षी. फ्री फूड, फ्री एकोमोडेशन, फ्री मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन एंड OT. डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी. सबमिट योर CV एंड ओरिजिनल पासपोर्ट इमीडिएट. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ट्रेड टेस्ट सेंटर. जो व्यक्ति भारत या विदेशों में नौकरी पाने के इच्छुक हैं और काम सीखना चाहते हैं तो शीघ्र संपर्क करें. 100% थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कोर्स, 3 मंथ्स टेक्निकल कोर्स. ट्रेनिंग बाय गल्फ रिटर्नर ट्रेनर, 100% जॉब प्लेसमेंट. डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी. विदेश भेजने के सारे प्रबंध उपलब्ध. तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें अल्फाज टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ट्रेड टेस्ट सेंटर. सिटीज लाइफ, सिटीज लाइफ होलसेल बाजार पूरे परिवार के लिए. अब अच्छे दिन आ गए हैं. जमशेदपुर में होलसेल रेट पर कपड़ों की करें खरीदारी. बेहतर से बेहतर डिजाइन एवं स्टाइलिश क्लॉथ खरीदें, वे भी बाजार से कम कीमत में. आया जमाना नारियों के आजादी का, हम भी देते हैं साथ. एक से बढ़कर एक डिजाइनों के साड़ियां लेकर. चाहे लेनी हो बनारसी साड़ी, कांजीवरम, तांत, जामदनी, सिल्क, कॉटन साड़ी या फिर फैंसी साड़ी, सभी के कलेक्शन का है विशाल भंडार. बच्चों के जींस, टी शर्ट, शर्ट, शेरवानी. बच्चियों के लिए भी है खास फ्रॉक, कुर्ती, सूट, टी शर्ट, जींस. फॉर जेंट्स, सूट, शेरवानी, कैजुअल, फॉर्मल एवं पार्टी वियर शर्ट के हैं कई वैरायटी. फॉर लेडीज, सलवार सूट पीस, कुर्ती, सूट, लहंगा और साथ में है फैंसी टॉप. रिश्ता क्या कहलाता है, साथियां, काला टिक्का जैसे मशहूर सीरियल के साड़ियां एवं लहंगा चुन्नी भी मिलते हैं. सिटीज लाइफ, जहां है सभी के लिए कुछ न कुछ. तो करनी हो खरीदारी पूरे परिवार के लिए, एक बार अवश्य आएं. सिटीज लाइफ, स्टेशन रोड अपोजिट पानी टैंक, जुगसलाई, जमशेदपुर. करंडी स्थित दिशोम जाहिरथान में संथाली साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पड़ोसी राज्यों से भी डेलीगेट्स आए. सम्मेलन का आयोजन ऑल इंडिया संथाली राइट्स एसोसिएशन द्वारा किया गया. संथाल भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के बावजूद भाषा का प्रचार और संचार में तेजी नहीं है, इस पर चिंतन मनन किया गया. साथ ही साथ दूसरे राज्यों से आए डेलीगेट्स ने भी भाषा के उत्थान और प्रचार पर बल देते हुए नई पीढ़ी से इसमें रुचि लेने की अपील की है. आज के लिए बस इतना ही. कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ. तब तक के लिए न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.